आज की वीडियो में भाई इन मूवीज के थ्रू वो फैंटेसी दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे, उनकी इमेजिनेशन को इन मूवी में एक्सपीरियंस करेंगे। तो आज की वीडियो जादुई दुनिया पे बनी 10 सबसे बेहतरीन मूवी जो एक से बढ़कर एक होंगी और भरोसा रखिए सिर्फ टॉप क्लास की होंगी, जिसमें बोनस मूवीज भी होंगी। तो लिस्ट की एक भी मूवी को मिस ना करिएगा और इसके प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं तो उसे भी जरूर देखिएगा, क्योंकि भाई कई सारी मूवीज देखने के बाद उनमें से सिर्फ बेस्ट ही आप तक लाया जाता है। तो ऐसी क्वालिटी के लिए आपके तरफ से एक सब्सक्राइब। आप सभी हर एक वीडियो देखते हो या पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, आज कर दो। नंबर 7 की मूवी वैम्पायर टाइप मूवी में खूब ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाकर ना देखिएगा तो ये मूवी आपके लिए वन टाइम मस्ट वॉच रहेगा, जिसे हाल ही में हिंदी डबिंग के साथ G5 पर रिलीज किया गया हॉरर फैंटेसी के साथ डैम्पियर। स्टोरी भाई एक ऐसे डैम्पियर की है जो शैतान और चुड़ैलों का बेटा है, जिनके खून से वैम्पायर को मारा जा सकता है, जिन्हें सबसे पावरफुल वैम्पायर को मारना है जो छोटे मोटे वैम्पायर को कंट्रोल करता है। कैसे एक डैम्पियर और एक सोल्जर मिलकर उस पावरफुल वैम्पायर से लड़ते हैं, जो देखने में भाई मजा बहुत आता है। मूवी स्टार्टिंग में थोड़ी हाइप बनाती है 3 चुड़ैलों और उस शैतान के बीच के फाइट सीन के बाद, पर इसके एंडिंग भाई थोड़ी डिसअपॉइंट करती है। थोड़ी कैरेक्टर से कनेक्ट कराती तो और भी अच्छा होता। पर कोई नहीं, वैम्पायर टाइप मूवीज देखना पसंद है तो एक ट्राई जरूर दीजिए, हिंदी डबिंग के साथ G5 पे अवेलेबल है। नंबर 6 की मूवी क्या हो जब किताबों की फैंटेसी दुनिया का कैरेक्टर हमारी इस रियल दुनिया में आ जाए। मूवी की कॉन्सेप्ट भाई काफी इंटरेस्टिंग है। 2008 में आई मूवी फैंटेसी एडवेंचर के साथ इंकहार्ट, हमारे लीड हीरो किताबों की कैरेक्टर को पढ़कर उन्हें जिंदा कर सकते हैं, है ना भाई खतरनाक, जिन्हें गायब हुई अपनी पत्नी को ढूंढना है, जिन्हें एक ऐसी बुक की तलाश है जिससे वो अपनी पत्नी को ढूंढ सकते हैं। मूवी में आपको यही देखना है कि क्या वो अपनी पत्नी को ढूंढ पाते हैं या नहीं। किताबों की सारी कैरेक्टर उनकी अपनी अपनी पावर के साथ इस दुनिया से क्या उन्हें भेज पाएंगे या नहीं, कैसे आप मूवी में देखिए आपको कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ रिप्रेजेंट करती है। मूवी को आप एक ट्राई जरूर दीजिए, आपको एक एडवेंचरस सफर पर ले जाएंगी, हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 5 से पहले बोनस नंबर 1 की मूवी आपके दिल को छू लेगी भाई, एक बच्चे और एक मॉन्स्टर के बीच की एपिक बॉन्डिंग दिखलाई है जो आपको इमोशनली हिट करेगी। 2007 में आई फैमिली फैंटेसी ड्रामा के साथ द वाटर हॉर्स लीजेंड ऑफ द डीप, स्टोरी बताकर भाई मूवी देखने का मजा किरकिरा नहीं करेंगे। बस इतना जान लीजिए, एक दिन एक बच्चे को मिस्टीरियस अंडा मिलता है जिससे भाई एक मॉन्स्टर टाइप जानवर निकलता है, क्या वो खूंखार होगा या फिर लोगों के लिए खतरा, आप मूवी में देखो, प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है। नंबर 5 की मूवी उन फैंस के लिए जिन्हें काली ताकत और चुड़ैलों पे बेस्ड मूवीज देखना पसंद है, तो ये मूवी भाई आपके लिए वो थ्रिल एक्सपीरियंस कराएगी। 2014 में एक्शन फैंटेसी एडवेंचर के साथ 7 सन्स, एक चुड़ैल का 7वां बेटा इस सदी का सबसे महान विच हंटर बनेगा। अब तक की सबसे खतरनाक चुड़ैलों की रानी अब आजाद हो चुकी है। 100 सालों के बाद खूनी चंद्रमा के दिन इन चुड़ैलों की ताकत चरम सीमा पे होती है, उसके बाद से पूरी दुनिया पर राज करेंगी। अच्छा हलवा है क्या, क्या 7वां बेटा और एक बुढ़ऊ तांत्रिक विच हंटर मिलकर उस चुड़ैल की रानी को मार पाएंगे या नहीं, आप मूवी में देखो भाई। मूवी की सबसे खास बात लगी इसके सिनेमेटोग्राफी, इसके वो एक्शन सीन, खासकर उस बुढ़ऊ का एक्शन सीन, इन्हें कमजोर बिल्कुल मत समझना। वो एंडिंग में इन चुड़ैलों के साथ वो फाइट सीन, इसमें मैजिक ऐड कर दिया जाए तो पूछो मत, देखने में मजा तो आता है। मूवी हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है, जरूर देखिए। नंबर 4 की मूवी डार्क वैम्पायर वेयरवुल्फ पिकासो और उनकी फैंटेसी दुनिया पे बेस्ड होना, तो भाई ऐसी मूवी देखने का एक्साइटमेंट टॉप पे होती है। नंबर 4 की मूवी आपको वैम्पायर की डार्क दुनिया में ले जाएंगी। 2004 की फैंटेसी एडवेंचर के साथ वैन हेल्सिंग, एक मॉन्स्टर हंटर को ट्रांसिल्वेनिया जाकर सबसे खतरनाक वैम्पायर को मारना है जिसे कई 100 सालों में कोई नहीं मार पाया, क्या हमारे हीरो उस वैम्पायर को मार पाएंगे या नहीं। मूवी पुरानी जरूर है भाई, पर 2004 की बेस्ट फैंटेसी हॉरर मूवी में से एक था। मूवी 19 साल पुरानी है तो थोड़ी इसके क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी, लेकिन इसके एक्शन स्टोरी लाइन, वो इंसानों से भेड़िया में ट्रांसफर होना भाई गजब का था। वैम्पायर ड्रैकुला टाइप मूवीज के फैन है तो जरूर देखिए, प्राइम वीडियो पे हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 3 से पहले बोनस नंबर 2 की मूवी आप ही सोचो भाई, आप एकदम से सीधा पृथ्वी से मंगल ग्रह पे चले जाओ और वहाँ पे आपस में दो राज्यों के बीच युद्ध छिड़ा हो और वहाँ पे आप लोगों का मसीहा बन जाओ। आप कैसे इन लोगों के बीच मसीहा बनोगे जहाँ आपको इनकी भाषा तक ना आती हो। आगे की स्टोरी आप मूवी में देखो भाई, आपको एक पल के लिए भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी इनके अजीबो गरीब टाइप के वो क्रिएचर। हम बात करें 2012 में आई साइफा फैंटेसी एडवेंचर के साथ जॉन कार्टर, जरूर देखिए, हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 3 की मूवी आपकी रूह किसी और के पास कैद है, वही जलती हुई खोपड़ी वाला महाकाल जो दूसरी दुनिया से आए शैतान को सजा देना है। 2007 से टोटल 2 मूवी का कलेक्शन एक्शन फैंटेसी थ्रिलर के साथ घोस्ट राइडर।
स्टोरी भाई जॉन पे फोकस्ड है, जो अपने पिताजी को बचाने के लिए एक बुढ़ऊ से अपने रूह का सौदा करता है। उसके बाद जॉन में वो महाकाल वाली पावर आ जाती है। आखिर वो बुढ़ऊ था कौन जो इंसानों की रूह से सौदा करता है, और क्यों आप मूवी में देखो। जहन्नुम से भागे आत्माओं को पकड़ना है। वो बाइक के साथ जलती हुई खोपड़ी भाई एकदम कूल है। आपको मूवी देखने में मजा जरूर आएगा। बस भाई थोड़ी इसके हिंदी डबिंग, बीच बीच में वो इंग्लिश में ही रखा है। आप हिंदी डबिंग कर रहे हो तो अच्छी तरह से करो, बाकी आप मूवी को देखो। इसके कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है और हिंदी डबिंग के साथ प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है। नंबर 2 की मूवी, जब उस फैंटेसी दुनिया और हमारे इस रियल दुनिया से आपस में कनेक्टेड हो तो भाई वो मूवी देखने में मजा बहुत आता है। नंबर 2 की मूवी आपको एक्सपीरियंस कराएगी 2017 की रशियन कॉमेडी फैंटेसी ड्रामा के साथ द लास्ट वॉरियर। भाई आप इस रियल दुनिया में एक फ्रॉड जादूगर हो और आप उस फैंटेसी दुनिया में एक महान राजा के एक महान बेटा, एक ऐसी तिलिस्मी तलवार ढूंढने की जर्नी जिससे आप अमर और दुनिया के सबसे ताकतवर जादूगर बन सकते हैं, जिसे सिर्फ एक महान वॉरियर का वंशज ही उस तलवार को उठा सकता है। आगे की स्टोरी भाई आप मूवी में देखो। वो जीरो से हीरो वाली ट्रांसफॉर्मेशन देखने में मजा बहुत आता है। एकदम से आप इस रियल दुनिया से उस फैंटेसी दुनिया में, इनके वो कॉमेडी वाला अंदाज आपको पसंद आएंगे। इन बीच में भाई वो लव वाला एंगल ढूंढ ही लेते हैं जो आपको मूवी से बांधे रखेगी। जरूर देखिएगा, हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 1 से पहले बोनस नंबर 2 की मूवी भाई एक या दो नहीं टोटल 6 मूवी का कलेक्शन। हर एक वैम्पायर फैंस के लिए कोई ट्रीट से कम नहीं, आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट हो सकता है। हम बात करें 2003 से अब तक टोटल 6 मूवी का कलेक्शन एक्शन फैंटेसी हॉरर के साथ अंडरवर्ल्ड फिल्म सीरीज। ऐसी मूवी की स्टोरी नहीं बताएंगे भाई, बस इतना जान लीजिए, एक्शन हो, फैंटेसी और सबसे बड़ी बात वेम्पायर और वेरवुल्फ के बीच सदियों से चलती आ रही युद्ध हो, जो देखने में मजा बहुत आता है। ऊपर से लीड एक्ट्रेस की स्वैग भाई सीधा आपके दिल पर जाकर लगेगी। जरूर देखिए, प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है। नंबर 1 की मूवी भाई आपको हाईएस्ट लेवल पर एक्सपीरियंस कराएगी, सीजीआई ग्राफिक्स एकदम टॉप नॉच लेवल की। हम बात करें जिसे हाल ही में हिंदी डबिंग के साथ रिलीज किया गया 2003 की फैंटेसी एडवेंचर ड्रामा के साथ नाइट्स ऑफ द जॉर्डन। भाई एक ऐसा योद्धा जिसे चुना गया है देवी अथीना के रक्षक के रूप में, जिसे अपने बहन को भी ढूंढना है। बात करें मूवी की सबसे बेस्ट पार्ट की तो भाई इसके एक्शन सीन, वो हैंड टू हैंड फाइट सीन भाई एकदम तबाही टाइप है। ऐसी फाइट सीन के साथ भाई मैजिक ऐड कर दिया जाए तो वो मूवी देखने का मजा दुगनी हो जाती है। सीजीआई ग्राफिक्स आपको आज की लेवल की देखने को मिलेंगी। कई ऐसे वाव मोमेंट है जहां आपको हाईएस्ट लेवल की सिनेमेटिक थ्रिल एक्सपीरियंस कराएगी। खास करके तो वो एंडिंग के फाइट सीन आपको 100% सेटिस्फाई करेगी, वो आप सिर्फ देखकर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मूवी की नेगेटिव पॉइंट लगी भाई इसके स्टोरी लाइन और कैरेक्टर से इमोशनल लेवल पर कनेक्ट नहीं करा पाती, शायद इसलिए इस मूवी की रेटिंग एवरेज बिलो है। बट IMDB रेटिंग डजंट मैटर, आप मूवी को देखकर डिसाइड करो। हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है, तो भाई ऐसी क्वालिटी के लिए आपके तरफ से एक सब्सक्राइब तो बनता है ना। आप लोग हर एक वीडियो देखकर बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हो यार, आज कर दो। और आइए इस लिस्ट की बैकग्राउंड म्यूजिक और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे टॉप रिव्यू इंस्टाग्राम पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मिलते हैं ऐसे ही क्वालिटी के साथ।